अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको पेंटिंग ट्यूटोरियल में बनाना ट्यूटोरियल बताऊंगी आपको कि हम बनाने की पेंटिंग कैसे करें। तो पहले इससे आपको ड्राइंग दिखा देते हैं, पहले आप ड्राइंग देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पेंटिंग भी करना बताऊँगी किस तरह से इसमें हम इसको कलर करेंगे और इसमें कौन कौन सा कलर लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने डार्क पेंसिल हमने ली है जिससे आपको कलर अच्छी तरह से दिख सके। इस तरह से हमें बनाना का शेप दे लेना है पहले, और मैं दो बनाना एक साथ बनाऊंगी। देखिए ये हो गया, और एक हम इसके साइड से बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बनाएंगे और कुछ इस तरह से रहेगा। लाइटली लाइटली हम ड्रॉ करेंगे जिससे हमारे बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये रही हमारी ड्राइंग, आप देख सकते हैं इस तरह से। और बहुत ही सिंपल इसकी पेंटिंग है, मैं आपको इसकी पेंटिंग भी करके बताती हूँ। इसमें कलर लगेंगे ग्रीन, वाइट, लेमन, सॉरी गोल्डन येलो, डार्क ब्राउन भी लगेंगे, लाइट ब्राउन भी लगेंगे। तो हमें जिस कलर की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो कलर हम वहाँ पे लगाएंगे, और मैं आपको वीडियो में बताती जाऊँगी कौन सा कलर हमारा कहाँ पे लग रहा है। तो चलिए हम आपको इसकी पेंटिंग बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने सेव ग्रीन लिया हुआ है और गोल्डन येलो, ये लाइट ब्राउन है और ये वाइट है, हमने डार्क ब्राउन भी कलर रखा हुआ है। तो मैं आपको कलर भी दिखा दूँगी। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसी ब्राउन में अगर आप थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड कर देंगे तो आपका डार्क शेड हो जाएगा। देखिए इस तरह से कुछ कुछ जगह पे हमें इस तरह से शेड से देने पड़ेंगे जिससे बनाना पता चल सके कि बनाना ही बना है। और इसमें कुछ इस तरह से काली काली धब्बे रहते हैं ऊपर से। यहाँ पे हमने 4 नंबर का 5 नंबर का, यहाँ पे देखिए 5 नंबर का ब्रश लिए हैं, आप 4 नंबर भी ले सकते हैं, 2 या 3 नंबर से भी आपका ये आराम से पेंटिंग हो जाएगी, आराम से आप पेंटिंग कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े ब्रश ही लें, छोटे ब्रश से भी आपका बन जाएगा। आप चौड़े और बड़े ब्रश लेंगे तो आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि चौड़े ब्रश से हमारा कलर जल्दी फील हो जाता है, और जो हम जहाँ पे हमारा 1 मिनट लगता है वहाँ पे हम आधे 30 सेकंड में भी वो काम कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने गोल्डन येलो को पूरे बनाने में फिल करना है। आप एक बनाने में पूरे फिल कर लो, उसके बाद जो उसमें शेड रहेगा उसको हम देंगे। तो फ्रेंड्स, बिना फ्रेम के कलर्स के शेड्स देना काफ़ी मुश्किल होता है और कपड़े इधर उधर जाते हैं। तो देखिए, और ख़ासतौर पे हमने कपड़े के नीचे प्लास्टिक रखा हुआ है ताकि कपड़े का जो दूसरा लेयर है वो ख़राब ना हो कलर से। इसके लिए हमने जिस कपड़े पे पेंटिंग में कर रही हूँ उसके अंदर पार्ट में मैंने वो प्लास्टिक रखा हुआ है ताकि कलर हमारा दूसरे फोल्ड वाले कपड़े में ना लग पाए, इसलिए और भी कपड़ा इधर उधर फिसल रहा है और हमारे कलर जो है अच्छे से फील नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अगर सिंगल कपड़े पे इसको फैला के करेंगे तो आपका आराम से कलर फील हो जाएगा, या फिर आप फ्रेम पे सेट करके बनाएंगे तो भी आपका अच्छे से फील हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने सेव ग्रीन लिया हुआ है और इस तरह से ऊपर हिस्से से लगाते हुए नीचे की तरफ उसको फील करेंगे,
और बहुत लाइट सा ग्रीन आएगा इसको फिल करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो बनाने के किनारे किनारे साइड हमारा थोड़ा थोड़ा ग्रीन रहता है, वो वाला पार्ट हम बना रहे हैं बैग बनाने की डंठल की तरफ। इस तरह से हमारा ग्रीन रहता है ना, हम बनाना जब भी लाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीन होता है, येलो के साथ मिक्स होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ हमारे शर्ट्स होते हैं। और सेम इसी तरह से हमारे साइड बनाने की साइड भी रहेगा, और जो हमने यहाँ पे राउंड छोड़ रखा है बनाने के, यहाँ पे राउंड में जो छोड़ रखा है उस पर हम डार्क ब्राउन कलर शर्ट भरेंगे। ब्राउन भी आप फिल कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दोगे तो आपका कलर डार्क हो जाएगा। पहले यहाँ पे ग्रीन कलर का शेड हम दे लेते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे जो कलर लगाना है उसको बताएंगे। तो ये हमारे बनाने का जो पार्ट है, देखिए एक बनाना हमारा लगभग रेडी है। अब हमें इसमें शेड देने हैं जिससे कि ये पता चले कि ये बनाना ही बना है। तो देखिए यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर हमने लिया, बिल्कुल कॉर्नर पे लिया। यहाँ पे आप पेन ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 नंबर 0 नंबर आप पेन ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉर्नर के हिस्से से ही इसको बना लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ब्रश काफ़ी चौड़ा सा है, लेकिन कॉर्नर के मदद से हम बारीक शर्ट जो है बना लेते हैं, हमें मुश्किलें नहीं होती बनाने में, काफ़ी ईजी होता है बनाने में, मैं बना लेती हूँ। और अगर आपसे ये शर्ट नहीं बनते हैं तो आप ज़बरदस्ती कोशिश ना करें, आप पेन ब्रश का यूज़ कर लें, जिससे आपको आसानी होगी और आपके पेंटिंग्स बनाने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए कलर को हमें इस तरह से लगाना है, और कलर को इस तरह से फील करना है कि हमारे जो गोल्डन येलो हैं और ब्राउन कलर हैं दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाए, और एक साइड थोड़ा सा डार्क आ जाए ब्राउन कलर का। और देखिए इस तरह से हमारे जब भी हम बनाना लाते हैं उसमें इस तरह से डॉट डॉट होता है, कुछ कुछ दूर पे हमें लगता है कि इसमें दाग से लगे हैं, डॉट बने हैं ब्लैक कलर से। तो ये बनाना ज़रूरी है क्योंकि इससे काफ़ी क्लियरिटी आती है कि हमने बनाना ही बना रखा है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर इस शेड में, यहाँ पे आप डार्क ब्राउन भी भर सकते हैं, और हमने लाइट ब्राउन लगाया है। आप इसके साथ बहुत हल्का सा ब्लैक कलर का भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका शेड काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये देखिए हमारा बनाना बन के रेडी है। बस थोड़े थोड़े शेड हमें अपने हिसाब से देने रहते हैं, जिससे हमारा खुद हमें दिखने लगेगा कि हमने क्या बनाया है और कैसे बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बनाना हमारा रेडी हो चुका है, और यहाँ पे ब्रश को पहले वॉश कर लेना है और उसके बाद वाइट कलर लेना है। और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे इस तरह से थोड़ा लाइट शेड दे लेना है, देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से फील करना है। देखिए बनाना तैयार हो गया है, और इसी तरह से हम दूसरा भी कलर करते हुए उसको भरते हुए इस तरह से शेड देंगे। सेम उसी तरह से हमें गोल्डन येलो को अपने फील करना है, और
उसी तरह से जैसे हमने इसमें शर्ट दिए हैं उसी तरह से इसमें भी शर्ट देना है। बस थोड़ा सा अलग फर्क करना रहेगा हमें, नीचे साइड अपना ब्राउन कलर का शर्ट अपने हिसाब से देना रहेगा क्योंकि हमने डबल बनाना बनाए हैं। और सेम बनेगा, बस हमारे जो कलर हैं उन्हें हमें ध्यान से लगाना है कि कहाँ पे हमारा कौन सा कलर लगेगा, और कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी पेंटिंग है ये। बनाना बनाना बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है इसे, तो बच्चे भी बना लें। और बहुत ही सिंपल और इजी है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप शायद से लाइक करना भूल जाते हैं। तारीफ़ें तो आप बहुत करते हैं हमारे पेंटिंग की, लेकिन आप लाइक करना शायद भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। और जैसा कि मैंने आप सबको दो तीन वीडियो में बताया है कि इस टाइम डिज़ाइन पे ऑफ़र चल रहा है, आपको हर डिज़ाइन पर 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो डिज़ाइन ख़रीद सकते हैं हमारे यहाँ से, आपको डिज़ाइन में 100 रुपये की छूट मिलने वाली है। आप अगर एक साथ दो तीन डिज़ाइन लेते हैं तो आपको हर डिज़ाइन पर 100 रुपये की छूट मिल रही है। तो आप ये डिज़ाइन पे डिस्काउंट का मौका मिस ना करें। अगर डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो फटाफट से डिज़ाइन सेलेक्ट करके आप डिज़ाइन को ख़रीद लें, क्योंकि आपका 3 डिज़ाइन पे 300 बचने वाला है। अगर आप 3 डिज़ाइन लेते हैं तो आपका 300 बचेगा। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डिज़ाइन नहीं ले पाते हैं, उसके लिए हमने डिज़ाइन पर छूट रखा है। अगर आप डिज़ाइन ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको डिज़ाइन बहुत सारी देखने को मिलेगी, अगर आपको पसंद आती है तो आप उसमें से डिज़ाइन ख़रीद सकते हैं। और ये बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है, बस थोड़े ही दिनों रहेगा। आप जल्द से जल्द डिज़ाइन अगर ख़रीदना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डिज़ाइन को ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग को हमारे डिज़ाइन के ऑफ़र के बारे में मालूम हो, और सब लोग हमारे डिज़ाइन को अगर लेना चाहते हैं तो वो हमारे डिज़ाइन को ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दूसरा बनाना भी पेंटिंग हो चुका है। उसमें हमने किस तरह से शेड दिए हैं ये भी आप शायद देख ही लिए होंगे, किस तरह से हमने उसमें शेड किए हैं। और ये देखिए, हमने नीचे पे थोड़ा सा हमारा ब्राउन ज़्यादा हो गया था तो हमने वहाँ पे वाइट कलर का शेड लगा दिया है और उसको छिपा दिया है। और यहाँ से देखिए, हम फिर से सैप ग्रीन का शेड दे रहे हैं हमारे बनाने के ऊपर साइड और नीचे साइड पे, इस तरह से ग्रीन कलर लगाना रहेगा जिससे बनाने का सेप, बनाने का जो कलर है काफ़ी अच्छा लुक आता है। और हमारे बनाने में अक्सर ये कलर मिलता है हमें, बनाने के दोनों किनारे वाले पार्ट पे ग्रीन का शेड रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने ग्रीन कलर का शेड दिया है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी पेंटिंग भी लग रही है बनाने की। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आराम से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो एक बार में बना सकते हैं। अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप एक बार में भी ये पेंटिंग बना सकते हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल है, कोई भी बना सकता है। एप्पल और बनाने की पेंटिंग तो बहुत ही ईजी है। इंशाल्लाह मैं आपको और भी फ्रूट के पेंटिंग बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ बनाना बना के दिखाई हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आपको और भी फ्रूट बना के दिखा पाऊँ और आपको पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए, हमें अपने शेड लगाने के बाद उसको थोड़े थोड़े जो हमारे ब्राउन के शेड हैं उसको हमें अपने गोल्डन येलो में फील करने हैं, मिक्स करने हैं। और उसके बाद उसमें इस तरह से देखिए, यहाँ पे ब्राउन को थोड़ा सा डार्क करना है। लाइट अब ब्राउन कलर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा और काफ़ी अच्छा भी लगता है।
पे देखिए यहाँ पे इस तरह से हम ब्राउन कलर ऊपर शेड लगाएंगे। तो डार्क कलर ब्राउन, डार्क ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइट ब्राउन है और डार्क ब्राउन नहीं है तो आप ब्लैकर का शेड भी मिक्स कर सकते हैं, उससे आपका शेड आ जाएगा। बहुत थोड़ा सा मिक्स करना है क्योंकि ब्लैक कलर हम थोड़ा सा देते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हमें इतना ही देना है कि हमारे शेड वो बन जाए। चलिए फ्रेंड्स अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमने गोल्डन येलो लगाया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उसमें ब्राउन कलर का शेड ऐड किया था और इस तरह से हमने उसमें सैप ग्रीन का भी शेड यूज़ किया है। ये तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, इसमें सिर्फ ब्राउन कलर से भी बना सकते हैं ये, तो हमने भी बना दिया। इसको मैंने इतने ध्यान से नहीं बनाया है जो कि बनाना चाहिए, लेकिन हमने आपको बनाना बना के दिखा दिया है ताकि आपको बनाना बनाना समझ में आ जाए किस तरह से हमें इसकी पेंटिंग करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो आती रहूँगी मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप सबके लिए मैं थोड़ी सी टाइम निकालती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप सब भी थोड़ी सी टाइम निकाल के हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने मिलेगी जो आपको पसंद भी आएगी। बहुत सारी ऐसी होती है जो नहीं पसंद आती है और बहुत सारी ऐसी होती है जो बहुत पसंद आती है। तो आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें, आपको एक से एक डिज़ाइन मिलती है हमारे चैनल पर। बिक्सी डिज़ाइन में तैयार करती हूँ, टिकों की डिज़ाइन तैयार कर सकती हूँ करती हूँ। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए, जो भी आप कुछ चाहिए आपको मिल सकता है हमारे यहाँ से, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।